हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सी आईपीसी और इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप में एक हमारा सब्जेक्ट है लॉ। लॉ के अंदर दो हमारे पार्ट हैं, एक कंपनी लॉ है और एक है अदर लॉ। तो हम अदर लॉ का फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, रिव्यू जोन के नाम से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस दर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ पे आपको अर्निंग एप्लीकेशंस की वीडियो मिलती रहेगी। मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि साइड बाय साइड हम कुछ अर्न करें, मतलब कुछ कमाएं, तो वो उस वीडियो के थ्रू कमा सकता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे न्यू न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाठक ट्यूटोरियल, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इसके अंदर तीन यूनिट आती है। तो फर्स्ट यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो यही टॉपिक आज हम क्लियर कर देंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर आते हैं ये तीनों यूनिट, ठीक है? तो हम फर्स्ट यूनिट आज पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, तो मैं आपको एकदम डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझना। मान लो ए है और एक है बी, ठीक है? ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अगर इसे कोई भी लॉस होता है तो वो कौन रिकवर करेगा, उसको ए करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ आ गया? मान लो अगर बी को 10,000 का लॉस होता है तो वो कौन रिकवर करेगा, उसको ए करेगा, ठीक है? तो अब हम थोड़ा अंदर का पढ़ेंगे इसके। तो जितने का ये प्रॉमिस करेगा उतना ही पैसा इसको रिकवर करके देगा। यानी कि इसने प्रॉमिस किया सिर्फ 10,000 रुपीज का और इसे लॉस हो गया 1,00,000 रुपीज का, तो ये इसको रिकवर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जितना इसने प्रॉमिस किया उतना ही रिकवर ये करेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हम बुक में से पढ़ते हैं एक बार क्या स्टेटमेंट इधर लिखी गई है। इधर लिखा है, थोड़ा जूम करता हूं मैं, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब अगर ये जो लॉस हो रहा है इसको, बी को, चाहे वो ए के वजह से हो रहा हो या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इसको लॉस हो रहा हो, वो रिकवर कौन करेगा? ए ही करेगा। और ए को हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसर, क्योंकि ये प्रोमिस कर रहा है तो इसको बोलेंगे प्रोमिसर। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोमिसी। जिसको हमने प्रोमिस किया उसको क्या बोलेंगे? प्रोमिसी। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर, ठीक है? जो प्रोमिस करता है उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। और इसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड। समझ आ गया? तो यही पूरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बुक में से। तो देखते हैं, ये स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? सेक्शन 124 है। अदर लॉ में सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है कि थर्ड पार्टी को कि हम उसको उसके लॉस को सेव करेंगे, ठीक है? और इंडेमनीफाइड कौन होता है? हु इज़ प्रोमिस्ड टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस। जिसको हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर उसको कोई लॉस होता है तो हम वो क्या करेंगे? रिकवर कर देंगे। तो समझ आ गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, राइट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है? अब आते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सुइड। ये इसका मतलब क्या है? जिसको प्रॉमिस किया गया है उसके राइट्स क्या क्या हैं, वो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, एग्जांपल्स हैं, इससे आपको और थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी जो अभी हमने पढ़ा है। तो इसको राइट्स को हम पढ़ते हैं एकदम सिंपल में। तीन पॉइंट दे रखे हैं, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। मतलब इसको अगर कोई भी डैमेज होता है, बी को अगर कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो वो कौन रिकवर करेगा? उसको ए करेगा। मतलब बी इससे पैसे लेगा, ठीक है? क्योंकि इसने प्रॉमिस करा है कि अगर तेरे को कोई भी लॉस होगा तो वो मैं दूंगा तेरे को, ठीक है? सेकंड क्या था? ऑल कॉस्ट विच ही मे हैव बीन कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट। मान लो बी किसी चीज को डिफेंड करने में या फिर किसी चीज को लाने में कोई भी इसकी कॉस्ट लगती है बी की, तो वो कौन देगा? ए देगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया। ऑल थर्ड, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट।
कोई भी चीज थी जिसको कॉम्प्रोमाइज करने में इसका कुछ पैसा लग गया बी का, तो वो भी कौन देगा? ए देगा। ठीक है, तीनों चीज समझ आ गई, डैमेजेस, कॉस्ट और सम, बस तीन याद कर लो आप, डी सी एस। ठीक है, डैमेजेस, कॉस्ट और सम, इसको सिंपल वर्ड में याद रखना है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है कौन क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हम चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के आगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एकदम डायग्राम बना के बताता हूँ क्या है इसका मतलब। मान लो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, गारंटी, तो इसमें क्या होता है, ए और बी है। ठीक है, मान लो ए को देने थे पैसे 1 लाख रुपए। ठीक है, ए पैसे देता किसको, बी को, लेकिन वो नहीं दे रहा, तो सी आया, इसने गारंटी ली। ए ने पहले क्या बोला बी को कि यार मुझे 1 महीना दे दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, लेकिन ये माना नहीं, तो सी आया इसके बिहाफ पे और इसको गारंटी दी। क्या दी? गारंटी दी कि वो पैसे दे देगा 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब सी आकर ए के बिहाफ पे गारंटी लेता है कि बी को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इन तीनों का नाम क्या दिया गया है, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ए को बोला गया है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, इसको बोला गया है क्रेडिटर, और इसको बोला गया है श्योरिटी। समझ आ गया? प्रिंसिपल डेटर कौन है, जो पैसे देगा, और क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसे देने हैं, और श्योरिटी कौन है, जिसने गारंटी ली है। ठीक है, तीन बंदे इधर, तीन बंदों का रोल है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो एक बार हम बुक में से जल्दी से रीड करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब अगर ए पैसे नहीं दे पाया तो कौन देगा, सी देगा, क्योंकि इसने गारंटी ली है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो छोटा सा था, हमने पढ़ लिया, टाइम कहाँ पे लगेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो डेफिनेशन पता चल गया आपको। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया वही तीन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, और क्रेडिटर कौन होता है। श्योरिटी कौन होता है, जो गारंटी देता है, हु गिव्स गारंटी। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन, जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है, जिसको गारंटी दी गई है। समझ आ गया? सिंपल है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसमें, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसमें से आप कोई से भी चार चार पॉइंट याद कर देना। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ, वैसे सिंपल है बहुत। देखो, इंडेमनिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, और इसमें कितनी होती है, 3 पार्टीज होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। उसके बाद टाइम ऑफ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कंटिजेंसी। मतलब अगर यहाँ पे बी को अगर कुछ लॉस होता, जो हमने इंडेमनीफाइड में पढ़ा, अगर बी को कोई लॉस होता तब ये इसको पे करता, तब लाइबिलिटी बनती। और इधर कब बनेगी लाइबिलिटी, जब ए पे नहीं कर पाएगा तो कौन देगा, सी करेगा। तो समझ आ गया दोनों टाइम में कब कब लाइबिलिटी रेज होगी, पढ़ लेना एक बार आप इस बुक में से, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कंटिजेंसी, और इसकी लाइबिलिटी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब लाइबिलिटी उसकी अभी भी है, बट स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइजेस व्हेन प्रिंसिपल डेटर फेल्स, लेकिन वो पक्की तब हो जाती है, मतलब हमें पे करना ही पड़ेगा जब ये डिफॉल्ट कर देता है, जब ये पेमेंट नहीं कर पाता। समझ आ गया? पर्पस क्या होता है इसका, रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस। ठीक है, जो भी लॉस होगा उसको वो वापस करेगा। और इसमें क्या होता है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए इसने गारंटी दी है, मतलब अगर ये नहीं पे कर पाएगा तो ये करेगा, इसलिए इसकी सिक्योरिटी दी गई है। ठीक है, पर्पस पता चल गया दोनों का क्या है। अब कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंडेमनिटी वाले में, उसमें दोनों क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब 18 ईयर से ऊपर के होने चाहिए, ठीक है। और इसमें इन केस ऑफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। अगर ये जो प्रिंसिपल डेटर है अगर वो माइनर भी हुआ तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, समझ आ गया। और इसमें क्या होना चाहिए, दोनों मेजर होने चाहिए, और इसमें प्रिंसिपल डेटर माइनर भी चलेगा, समझ आ गया। माइनर कौन होते हैं, जो 18 ईयर से कम के होते हैं, और मेजर कौन होते हैं, जो 18 ईयर से ऊपर के होते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। और बाकी आप रीड करके देख लेना, वरना मैं एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। इधर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि दो ही बंदे इन्वॉल्व है इधर, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का, और एक इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, सेक्शन 128, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं एकदम अच्छे से एग्जांपल में समझाता हूँ आपको, नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, ठीक है। जो श्योरिटी है इसकी लाइबिलिटी किस तरीके की लाइबिलिटी रेज होती है, ठीक है। तो देखो मैं एकदम बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो सी है, उसे पेमेंट करनी थी बी को, तो सी ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया इसके नाम का, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता ही होगा, तो इसने बिल बना दिया इसके नाम का, ठीक है। और ए आया, इसने गारंटी दी कि ये पेमेंट हो जाएगी आपको बिल के थ्रू, ठीक है। क्या हुआ, सी को पेमेंट करनी थी बी को, सी ने बना दिया बिल, और ए ने बोला कि अगर ये पेमेंट नहीं हो पाई तो वो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब क्या हुआ, जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था ये हो गया डिसऑनर। डिसऑनर मतलब पता है, जब उसने बैंक में लगाया होगा, बैंक वालों से तो पैसे ले लिए होंगे, लेकिन क्या हुआ डिसऑनर हो गया, तो बैंक वाले वो पैसे वापस काट लेते हैं बैंक में से, और इंटरेस्ट भी कुछ चार्ज कर देते हैं। तो जैसे ही ये डिसऑनर होगा ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी, और उसे सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट वो जो इसको पे करना था, और साथ में इंटरेस्ट और जितना भी चार्जेस उसका लगेगा सारा कुछ इसे पे करना पड़ेगा। किसको, ए को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने गारंटी ली थी उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये समझ आ गया। और एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि जैसे ये डिसऑनर हुआ तो ये डायरेक्टली इसको कांटेक्ट करेगा, जरूरी नहीं है कि इसके पास जाएगा फिर ये इसके पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्टली इसके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए, तुमने गारंटी ली थी, ठीक है। तो यही बोलता है नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी में, आप एक बार रीड करके देख लेना अगर करना चाहते हो तो। अब आता है हमारे पास टॉपिक कंटिन्यूइंग गारंटी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो ए था, ठीक है, वो डेली टी शॉप से टी चाय पीता था डेली, और महीने के लास्ट में पेमेंट करता था। तो बी ने, अब क्या हुआ, बी ने गारंटी ली कि ए जो है वो पेमेंट कर देगा उनको महीने के लास्ट में, ठीक है। तो ये डेली चाय पीता रहा पीता रहा पीता रहा, और फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही इसका जितना भी बिल बना, 1,000 मान लो, ठीक है, इसने पेमेंट कर दी। अब नेक्स्ट मंथ जो आएगा, तो इसने अगर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ली है, मतलब मान लो फर्स्ट मंथ की पेमेंट हो गई, फिर सेकंड मंथ की स्टार्ट हुई, तो उसकी भी गारंटी यही लेगा, मतलब ये माना जाएगा कि इसने गारंटी ले ली है नेक्स्ट मंथ की भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी समझ आ गया। मान लो जो जिस पेमेंट के लिए इसने गारंटी ली थी वो कंप्लीट हो गई, और उसकी नेक्स्ट पेमेंट के लिए भी इस यही गारंटी दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। इससे अब कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसने कॉन्टिन्यूइंग गारंटी पर साइन कर दिए तो मतलब नेक्स्ट पेमेंट के लिए भी यही लाइबल होगा, ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट करता है, अगर ये कोई भी दिक्कत करता है पेमेंट में, तो यही उसकी पेमेंट करेगा क्योंकि इसने कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ले रखी है, ठीक है। तो यही सिंपल टॉपिक था, इसके आप एग्जांपल पढ़ लेना, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ये एग्जांपल कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन
प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। मान लो दो बंदों ने एक साथ मिलकर गारंटी ली, ठीक है, ए और बी थे, इन दोनों ने एक साथ गारंटी ली किसी की, तो क्या होगा? इनमें से एक जना श्योरिटी होना चाहिए, मतलब अगर पेमेंट में डिफॉल्ट होता है तो इन दोनों में से जो भी श्योरिटी होगा वो क्या करेगा, उसकी पेमेंट करेगा जिसके बिहाफ पे भी इन्होंने गारंटी ली होगी। तो यही टॉपिक छोटा सा है, यही बोलना चाहता है। आप एग्जांपल रीड करके देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया कि मतलब दो बंदे एक साथ अगर गारंटी लेते हैं और तो उनमें से एक जना क्या होना चाहिए, श्योरिटी, क्योंकि पेमेंट के डिफॉल्ट पे श्योरिटी पेमेंट करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी लेता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस ये जो लाइबल है इसकी पेमेंट करने के लिए, वो कब ख़त्म होगी, वो जो गारंटी उसने ले रखी है वो कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म होगा? ठीक है, तो इसके तीन केस दिए गए हैं यहाँ पे, बाय रिवोकेशन, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो रिवोकेशन मतलब खुद रोक देना जाकर, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रोक देने को बोलते हैं हम रिवोकेशन। तो इधर दो चीज़ें दी गई हमें रिवोकेशन में, पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट दिया गया है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। एग्जाम्पल लेते हैं एकदम बढ़िया वाला। मान लो बी और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और ए ने गारंटी ले रखी थी, ठीक है, ए ने गारंटी दी थी सी को, तो क्या होगा अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, ये अगर आगे गारंटी नहीं देना चाहता इस सी को, तो क्या करेगा, वो एक नोटिस दे देगा सीधा जाकर सी को और बोलेगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, मैं इसके लिए लाइबल नहीं रहूँगा अगर ये कोई भी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है। तो समझ आ गया, पहला यही टॉपिक कहना चाहता है, जो पहला पॉइंट है यही कहना चाहता है। सेकंड, जो श्योरिटी है, ये श्योरिटी है, अगर इसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाएगा कि ख़त्म हो चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट, अब ये लाइबल नहीं रहा, क्योंकि वो ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा, ठीक है, और ये क्रेडिटर होता है। समझ आ गया रिवोकेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म होगा, या तो वो खुद जाकर नोटिस दे दे क्रेडिटर को, या तो उसकी डेथ हो जाए। दो केस हो गए यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी का एग्जांपल लेंगे हम। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके लिए गारंटी ली ए ने, ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आ गया था। अब मान लो इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो ये जो पेमेंट करता वो किस चीज़ की पेमेंट करता, मान लो इसने कोई लोन ले रखा था, ठीक है, उसकी पेमेंट करनी थी अब इसको, तो इसने उसकी जगह गारंटी ले ली, ए ने बी की जगह गारंटी ले ली। अगर इन दोनों ने मिलकर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन कर दिए, कुछ भी अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करी बिना बताए ए को, जिसने गारंटी लिया है, अगर उसे बिना बताए इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी वेरिएशंस करी, मतलब चेंजेस करी, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी डिस्चार्ज माना जाएगा, मतलब अब ये आगे फ्यूचर में लाइबल नहीं रहेगा उसकी डिफ़ॉल्ट की पेमेंट करने के लिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर के वजह से भी श्योरिटी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से, वो हम पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड और बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर। मान लो जब इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, या तो कुछ इन्होंने गलती कर दी, तो तब भी ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरी नॉलेज ही नहीं थी उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लेकिन इसने गारंटी दे दी थी, तो अगर इसे आगे फ्यूचर में पता चलता है कि इन्होंने कुछ गलतियां करी थी, ओमिशन थी, कुछ भी था, तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा अपनी ड्यूटी से। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। और ये जो एग्जांपल्स हैं, ये मैं सोच रहा मैं ये नहीं पढ़ा रहा, तो आपको भी नहीं पढ़ना, आप एग्जांपल्स एक बार रीड कर लेना एक दो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, तो आप
4 पॉइंट पढ़ सकते हो, क्योंकि 4 से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता अदर लॉ में मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं सारे पॉइंट, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा आपको। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मान लो इसने 1 महीने का टाइम दिया था पेमेंट करने के लिए, लेकिन सी ने जाकर सीधा बी को बोल दिया कि भाई चल मैं तेरे को 2 महीने देता हूँ, तो 2 महीने में पेमेंट कर दियो, लेकिन ए को नहीं बताया, तो भी ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटी से। मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर नहीं रहा, अब ये लाइबल नहीं रहा कोई भी पेमेंट करने के लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक बार हम इसका, एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा आपको। सी द होल्डर ऑफ एन ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बी, सॉरी ए, एज श्योरिटी फॉर बी, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय बी द कॉन्ट्रैक्ट विद एम टू गिव टाइम टू बी, ए इज नॉट डिस्चार्ज। मतलब अभी तक हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, अगर ये किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो तब ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, अगर ये किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो बाकी पॉइंट भी आप रीड करके देख लेना, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट जो आता है हमारा टॉपिक वो क्या है, ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था गारंटी का वो इनवैलिड था, अगर इनवैलिड हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो जो जिसने गारंटी दिया वो लाइबल नहीं रहेगा किसी भी पेमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है, गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। मान लो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बी ने ए को जाकर बोला कि तू भाई गारंटी ले ले मेरे बिहाफ पे कि मैं सी को पेमेंट कर दूंगा, और इसको कुछ बताया नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ का था और इसको कुछ और चीज़ बता दी और इसने जाकर गारंटी ले ली, और इसको बाद में पता चला कि इसने मिस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मुझे गारंटी दिलवाई है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो आप एक बार एग्जाम ये पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करी गई है, मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग अ मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन थी इन दोनों के बीच में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, अगर वो मटीरियल था वो बताना चाहिए था इनको, ए को बताना चाहिए था, लेकिन ए को नहीं बताया गया, तो अगर ए को फ्यूचर में पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आप अगर अपना लॉजिक भी लगाकर अगर ये रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड आता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसिस इज इनवैलिड। जब ये गारंटी दे रहा था इसको, तो इसने क्या किया, इसने इसको एक मटीरियल चीज़ पता थी, मतलब एक बड़ी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता थी, लेकिन ये चुप रहकर इसने गारंटी ले ली उसकी, और इसको फ्यूचर में पता चल गया कि इसको पता था और इसने मेरे को नहीं बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टाइम में, तो ये क्या करेगा, लाइबल नहीं रहेगा किसी भी पेमेंट के लिए फ्यूचर में, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ के देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अनटिल श्योरिटी ज्वाइंस, को श्योरिटी, ठीक है। को श्योरिटी कौन होता है, अभी तक एक बंदा दे रहा था, अगर दो बंदे दे रहे हैं मान लो, तो ये को श्योरिटीज हो गए, ठीक है, मतलब दो बंदे मिलकर दे रहे हैं, तो इनकी लाइबिलिटी भी इक्वल बनती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ वो एक बार हम रीड करते हैं। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अनटिल अनदर पर्सन हैज ज्वाइंड इन इट एज को श्योरिटी, द गारंटी इज नॉट वैलिड If that other person does not join, मान लो जब ये गारंटी दे रहा था ए इसको, तो बात हुई थी कि दो बंदे गारंटी लेंगे, लेकिन अभी तक दूसरा बंदा ज्वाइन करने नहीं आया, तब तक ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड माना जाएगा,
ठीक है, तब तक ये लाइबल नहीं रहेगा जब तक दूसरा बंदा आकर इसको ज्वाइन नहीं कर लेता। समझ आ गया? तो ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट किया हमने? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि श्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है, वो कब डिस्चार्ज होगी। तो तीन केस में होगी, रिवोकेशन, ठीक है, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, या फिर इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझ आ गया? तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं राइट्स ऑफ अ श्योरिटी। अब श्योरिटी के राइट क्या क्या होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं किसके अगेंस्ट होते हैं। देखो, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट भी इसकी कुछ राइट्स होते हैं, क्रेडिटर्स के भी अगेंस्ट होते हैं, और को श्योरिटीज़ के भी अगेंस्ट होते हैं। चाहे तो मैं आपको बिना इसके पढ़ा सकता हूँ ये, ठीक है, लेकिन क्या होगा, फिर बच्चे बोलेंगे कि बुक का तो पढ़ाया नहीं, तो फिर हमें कैसे समझ आएगा। तो मैं पहले ना आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो राइट्स ऑफ सबरोगेशन मतलब क्या होता है, पहले एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने गारंटी ली थी, ठीक है, ये कौन था, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। ध्यान से देखना यार, पूरी वीडियो देखना यार, तभी मज़ा आएगा आपको, चैप्टर एकदम पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा और आपके एकदम मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे इस चैप्टर में। ये तीन बंदे होते हैं। अब हम इसके राइट्स पढ़ रहे हैं अगेंस्ट किसके, प्रिंसिपल डेटर के। तो पहला क्या राइट आता है इसका, सबरोगेशन, मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो गया इसको पेमेंट करने में, पेमेंट करने में क्या हो गया, फेल हो गया, तो क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, इसकी लाइबिलिटी बनेगी कि ये इसको पेमेंट करे, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है पेमेंट करने में क्रेडिटर को, तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसका राइट बनता है कि ये इसको पेमेंट करे इसके बिहाफ पे, ठीक है। बी के बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा, ए करेगा, क्योंकि ये श्योरिटी है, इसने गारंटी ली थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही बोलना चाहता है, ये ना पढ़कर हम नीचे के अगर यहाँ से पढ़ेंगे तब भी समझ आ जाएगा आपको। इट मीन्स दैट एन ऑन पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटीड ड्यूटी, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। मतलब अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो किसके शूज़ में फंस जाता है, क्रेडिटर के शूज़ में फंस जाता है। मतलब ये एक इसकी लाइबिलिटी रेज हो जाती है कि इसको पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। अब सेकंड राइट क्या आता है, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाइड श्योरिटी। तो इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ, आप फिर इसको रीड कर लेना इसमें से। अब दूसरा राइट क्या आता है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इम्प्लाइड, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप बस पूरी वीडियो को देखो यार, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देख के, टू इंडेमनिफाइड श्योरिटी। मतलब क्या इसका, तो इसमें क्या होता है, मान लो बी अगर पेमेंट नहीं कर पाया सी को, तो ए करेगा, तो ए का एक और राइट बनता है कि वो सारे पैसे उससे रिकवर कर सकता है जिसके बिहाफ पे उसने पेमेंट करी है क्रेडिटर को। समझ आ गया? पहला राइट क्या बनता है कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसके बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा, श्योरिटी करेगा, ठीक है, और वो पेमेंट करने के बाद वो सारा पैसा उसी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसके पेमेंट फेल होने पे ये इसको पेमेंट करेगा और वो पैसे किससे लेगा, वो रिकवर किससे करेगा, बी से रिकवर करेगा, क्योंकि इसी के बिहाफ पे पेमेंट करी है ना सी को। समझ आ गया? तो दो राइट समझ आ गया आपको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। अब हम पढ़ते हैं क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या इसके राइट्स होते हैं, ठीक है। तो एक ही राइट होता है इसका, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। अब इसका मतलब भी बताया था मैं आपको, मान लो बी को पेमेंट करनी थी सी को, ठीक है, तो इसने कुछ सिक्योरिटी रखवा ली थी बी की, मान लो इसने कोई गोल्ड रखवा लिया या फिर घर के पेपर्स रखवा लिए, कोई भी सिक्योरिटी इसने रख ली थी अपने पास, ठीक है। अब ये पेमेंट नहीं कर पाया तो अब ए पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पास सिक्योरिटी है। मान लो बी को पेमेंट करनी थी 1,00,000 रुपये और सिक्योरिटीज बेच के 90,000 रुपये आ गए इसके पास, तब ये 10,000 रुपये पेमेंट करेगा, सिर्फ 10,000 के लिए लाइबल होगा ये। समझ आ गया? जो इसने सिक्योरिटीज़ रखी थी, मान लो कोई गोल्ड रख लिया था इसने, ठीक है,
बी का कुछ गोल्ड इसने अपने पास रख लिया था कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं उसको गोल्ड को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, और जो नहीं हो पाएगा रिकवर वो मैं ए से ले लूंगा क्योंकि ए ने उसकी गारंटी ली है। समझ आ गया? तो ये 10,000 रुपये ले करेगा इसको कॉन्ट्रीब्यूट। तो बस इसमें यही कहना चाहता है, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा। देखो, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी है उसका बेनिफिट ए को भी मिलेगा, क्योंकि ए को बेनिफिट कैसा मिलेगा, समझ आ गया ना? कि मतलब 1 लाख अब इसको पे नहीं करने, अब इसको सिर्फ 10,000 रुपये पे करने हैं। तो अब हम चलते हैं राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज। अब श्योरिटी का जो राइट है को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट बनेगा वो अब हम पढ़ते हैं। पहला, को श्योरिटीज टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। समझाता हूँ मैं आपको, न्यू पेज ले लेते हैं एक। मान लो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने ली थी गारंटी। ये समझ आ गया? सेम ही चार्ट बनेगा सब में, क्योंकि समझा रहा हूँ मैं। ये है प्रिंसिपल डेटर, ये है श्योरिटी, ये है क्रेडिटर। तो अब हम किसके अगेंस्ट इसके राइट्स पढ़ रहे थे? श्योरिटी के, को श्योरिटी के, है ना? किसके अगेंस्ट राइट्स पढ़ रहे हैं अभी हम? को श्योरिटीज के। तो हमने पहला राइट क्या पढ़ा था उसमें, वो एक बार हम बुक खोल कर दोबारा देखते हैं। लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। मान लो अब बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें दो बंदे थे, एक मान लो डी भी था साथ में, ठीक है? दो बंदों ने गारंटी ली थी। अब क्या हुआ, अब ये पेमेंट नहीं कर पाया तो दोनों लाइबल होंगे पे करने के लिए, वो भी इक्वली। समझ आ गया? यहाँ पे पढ़ते हैं। अब बताया ना मैंने अभी, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, वो दोनों इक्वल अमाउंट उसको पे करेंगे। मान लो 10,000 अगर इसको पे करने दें तो दोनों मिलकर 5,000 रुपये मिलाएंगे और इसको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि दोनों ने गारंटी ली थी इसके बिहाफ पे। समझ आ गया? पहला। दूसरा क्या है, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। मान लो दो बंदों ने गारंटी ली, ठीक है? इसने बोला मैं सिर्फ 2,000 की गारंटी ले रहा हूँ और इसने बोला मैं 8,000 की ले रहा हूँ, तब फिर ये अपने अपने अमाउंट के लाइबल होंगे, ठीक है? इस केस में क्या होगा, ये सिर्फ 2,000 ही देगा और ये 8,000 देगा। और अगर ऐसा कोई भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कितना देंगे, दोनों इक्वल अमाउंट देंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इन चैप्टर्स के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर वेबसाइट होगी pathaktutorial.blogspot.com, वहाँ पे जाके आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं, आपको मेल पे 2-3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।